मित्रों, खाली समय का एक शुभ लक्षण यह भी है कि हमें बहुत सारी पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को याद करने का, संवारने का, सजाने का मौका मिल जाता है। एक गीत पढ़ता हूँ छोटी सी भूमिका के साथ। गीत की भूमिका यह है कि हम अपनी अलमारी में कुछ खोज रहे होते हैं और हमें कुछ पुरानी चिट्ठियाँ मिल जाती हैं। उन पुरानी चिट्ठियों को मैंने गीत में बांधा है, आपके बीच पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि चार पुराने खत निकले अलमारी से, चार पुराने खत निकले अलमारी से। पहली चिट्ठी पापा की थी जिसमें उनका ख्वाब लिखा था, पहली चिट्ठी पापा की थी जिसमें उनका ख्वाब लिखा था। कुछ पैसे भेजे थे जिनका दो दो बार हिसाब लिखा था। खून पसीना टपका किया किनारी से, चार पुराने खत निकले अलमारी से। और दूसरी चिट्ठी माँ की जिसमें उनका चित्र छपा था। अब तो वीडियो कॉल का ज़माना है, लेकिन पुराने ज़माने में चिट्ठियों में चित्रों को महसूस किया जाता था, शक्लों को महसूस किया जाता था। मैं पढ़ता हूँ कि और दूसरी चिट्ठी माँ की जिसमें उनका चित्र छपा था। मेरी कुशल क्षेम को माँ ने राम राम हर सांस जपा था। चोरी से कुछ पैसे दिए पिटारी से, चार पुराने खत निकले अलमारी से, चार पुराने खत। तीसरी चिट्ठी पढ़ता हूँ कि पत्र, रिश्तों के नाम पड़ता है ये पत्र, कि पत्र तीसरा था भौजी का, पत्र तीसरा था भौजी का। अक्षर सभी गुलाल मले थे, पत्र तीसरा था भौजी का, अक्षर सभी गुलाल मले थे। उस चिट्ठी को ही पढ़ पढ़ कर होली के सब दिन निकले थे। सारे दोस्त पढ़े थे बारी बारी से, चार पुराने खत निकले अलमारी से। और अंतिम पत्र पढ़ता हूँ कि चौथा खत बिल्कुल गुलाब सा, लेकिन उसमें नाम नहीं था। चौथा खत बिल्कुल गुलाब सा, लेकिन उसमें नाम नहीं था। नशा बहुत था उस खुशबू में, खत ही था वह जाम नहीं था। नशा बहुत था उस खुशबू में, खत ही था वह जाम नहीं था। कभी न मिल पाया मैं उस बेचारी से, चार पुराने खत निकले अलमारी से, चार पुराने खत निकले अलमारी से।